हेलो एवरीवन, मेरा नाम धीरज गुराले है और इंजीनियरिंग सर्विसेज 2017 में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन स्ट्रीम से मेरा रैंक 18th आया है। मेरे जो टोटल मार्क्स हैं जो इंजीनियरिंग सर्विसेज के वो हैं 734 और इसमें जो आधे से ज़्यादा मतलब 409 मार्क्स आउट ऑफ 600 मेरे सिर्फ मेंस में थे। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेंस के कारण ही मेरा सिलेक्शन हुआ। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने लोहित कुमार यादव जी का जो अटेम्प्ट था मेंस का उस पर हमने डिस्कशन किया था। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो उसी वीडियो में मैं कुछ अपने पॉइंट्स भी ऐड करना चाहूँगा। अब में से बहुत सारे लोगों ने भी मतलब टेस्ट सीरीज़ का जब वो फर्स्ट पेपर दे रहे होंगे तो उनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा होगा कि ये कैसे अटेम्प्ट करें। मतलब स्टार्टिंग में ऐसा होता है, फील आपने भी किया ही होगा, मैंने भी किया था, कि जैसे ही पेपर हाथ में आता है तो उस मोमेंट पे ऐसा लगता है कि अरे कुछ भी नहीं आता। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके गेट में बहुत अच्छा रैंक आया होगा और वो PSU और IIT के एडमिशन में बिज़ी होंगे, जिसके कारण उनका इतना फोकस मतलब टेस्ट सीरीज़ में नहीं हो पाया होगा। मैं सबसे पहले उनके बारे में कहना चाहूँगा जिनका रैंक बहुत ही कम आ रहा है, तो प्लीज़ ऐसे मतलब डिसअपॉइंट मत होइए, क्योंकि जो मेन एग्ज़ाम है वो अभी आने वाला है, उसमें जो परफॉर्म करेगा वही सिलेक्ट होगा, उसी को आगे इंटरव्यू में जाने का मौका मिलेगा। तो अभी भी आपके पास चांस है, जितना भी आपको आता है उसको बहुत अच्छे से लिखना है, उसको अटेम्प्ट आपने जितना भी अटेम्प्ट किया है उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स फेच करने हैं, तो वो भी हम इस वीडियो में उसके बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। और जिनका भी रैंक अभी तक टेस्ट सीरीज़ में टॉप 10 में आ रहा है उनसे भी मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो अभी जो मेन एग्ज़ाम आने वाला है उस पर उसको बहुत लाइटली मत लीजिए, क्योंकि हमारे केस में भी ऐसा हुआ था कि जो कुछ बच्चे थे जो कि टॉप 10 में थे उनमें से कुछ का सिलेक्शन नहीं हो पाया। मैं लाइन बाय लाइन पेपर अटेम्प्ट के साथ साथ आपको टिप्स भी बताता जाऊंगा, अगर आपको कुछ यूज़फुल लगे तो उनको अपना लीजिए, अगर आपको लगता है कि उससे अच्छा अगर आप मतलब आपके पास कुछ और बेहतर उससे आइडिया है तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो सबसे पहले आप जैसे ही मतलब एग्ज़ामिनेशन हॉल में एंटर करेंगे तो मतलब देख लीजिए कि सबके पास मतलब आपके पास जो कैलकुलेटर है वो सेम है या नहीं है, सबके जैसा ही है या नहीं। अगर आपका कुछ कैलकुलेटर कुछ डिफरेंट लग रहा है बाकियों से तो वो कैलकुलेटर को आप एक बार टीचर को दिखा दीजिए और उसको समझा दीजिए कि ये जो है कैलकुलेटर ये अलाउड है एग्ज़ाम के लिए। ऐसा हो सकता है कि आपको वो बीच में आके डिस्टर्ब करें। जैसे ही आपके हाथ में क्वेश्चन का आंसर बुकलेट आएगा तो उसके जो लास्ट पेजेस हैं वहाँ पे आपका क्वेश्चन पेपर अटैच होगा, तो क्वेश्चन पेपर को जो अटैच क्वेश्चन पेपर है उसको वहाँ से निकाल के आप वहाँ पर मार्किंग करना चालू कीजिए कि आप मतलब हर एक क्वेश्चन में आपको कौन कौन से मतलब क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 तो कंपलसरी है, तो उसमें आपको कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं और उसमें क्या क्या पूछा गया है। ये देखिए, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट, वहाँ पे मैंने लिख रखा है कि हाँ इस क्वेश्चन में मेरे को एक डायग्राम बनाना है और मेरे को फाइंड आउट क्या करना है, तो वेव फंक्शन। तो इससे ये कन्फर्म हो जाएगा कि मैं ये दोनों चीज़ें जो है ये भूलूंगा नहीं। मतलब एग्ज़ाम में ऐसा होगा, बहुत बार होगा आपके साथ भी कि आप सॉल्व करने गए और आप एक दो मतलब अभी यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछें तो आप ऐसा हो सकता है कि आप एक आध चीज़ भूल जाएं। अभी इस केस में तो भूल नहीं सकते क्योंकि डायग्राम जो है वो कंपलसरी है ये वे फंक्शन निकालने के लिए। और ये जैसे कि सी क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें भी इन्होंने क्वेश्चन ऐसे पूछा है, ये डायग्राम दिया गया है और ऊपर लिखा है डिराइव द एक्सप्रेशन यूज्ड। तो ऐसे केस में क्या होता है कि आप डिराइव कर लेते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं कि हाँ आपको और वैल्यू भी निकालना था, तो सॉल्यूशन और डेरिवेशन दोनों ही इस क्वेश्चन में करना है। तो ऐसी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें ही होती हैं जो हम भूल जाते हैं एग्ज़ाम के टाइम पे ऐसे, और ये इसके कारण आपके 10 से 15 मार्क्स कम हो जाते हैं। ऐसा हो सकता है कि मतलब आपको अगर 5 क्वेश्चन करने हैं, 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसमें से आपको 5 की जगह 4 ही क्वेश्चन जम रहे हैं, तो इसमें निराश होने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप 4 भी क्वेश्चन करेंगे और हर एक क्वेश्चन 60 मार्क्स का है तो आपका 240 का अटेम्प्ट होगा, ठीक है। और वो जो भी पांचवा क्वेश्चन है उसमें भी ऐसा नहीं होगा कि आपको पूरा टोटल का टोटल क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा,
मतलब उसमें भी आप उसके सब पार्ट जो हैं वो अटेम्प्ट कर सकते हैं, जितना आता है आपको उतना अटेम्प्ट कर सकते हैं आप। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ आपको 40-50 मार्क्स का नहीं आ रहा है, तो आप प्लीज़ इसमें निराश होने वाली कोई भी बात नहीं है, आपको उतना टाइम एक्स्ट्रा मिलेगा। ऐसा बहुत बार होता है कि आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते, आप अगर आपको अगर पूरा 300 मार्क्स का भी आ रहा होगा तो आप पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे एग्ज़ाम में, ऐसा हो सकता है कि पेपर लेंथी आ जाए। और हाँ प्लीज़, आप अगर अभी अगर आप टॉपर हैं, आपके 210 220 ऐसे मार्क्स आ रहे हैं और एग्ज़ाम में आप वही टारगेट लेके चल रहे हैं कि हाँ 220 ही लाना है, ऐसा हो सकता है कि जैसे अभी बताया कि पेपर डिफ़िकल्ट हो गया और आपको ज़्यादा क्वेश्चन मतलब नहीं जम रहे, मतलब आपको सिर्फ आप 200 के अटेम्प्ट कर पाएँ, तो इसमें घबराइए मत, पेपर जो है वो सबके लिए डिफ़िकल्ट होगा, तो आपको इसमें कुछ डरने वाली कोई बात नहीं है। आपने इतना अच्छे अच्छे मार्क्स अगर लाए हैं टेस्ट सीरीज़ में, तो भरोसा रखिए कि हाँ आपको मतलब ऐसे डरिए मत। और हाँ एक और चीज़, जो भी थ्योरी क्वेश्चंस आपको आते हैं और आपने वो चूज़ किए हुए हैं कि हाँ ये क्वेश्चन में ये थ्योरी ये सब पार्ट है जो कि थ्योरी है और उसको आप अटेम्प्ट करने वाले हैं, तो उस सब पार्ट को आप एकदम लास्ट में अटेम्प्ट कीजिए। थ्योरी क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम खा जाता है आपका, और उससे ऐसा हो सकता है कि आपका कोई न्यूमेरिकल छूट जाए जिसमें कि गारंटीड होता है कि आपका जो है आंसर मतलब राइट हुआ तो पूरे मार्क्स मिलेंगे और रॉन्ग हुआ तो कम से कम स्टेप्स के मार्क्स तो मिलेंगे। देखिए मेन जो है वो 600 मार्क्स का है आउट ऑफ 1300, तो ये एक मेन पार्ट है पूरा इंजीनियरिंग सर्विसेज का, तो इसमें डर लगना तो मीन्स सभी को डर लगता है, इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। और डर के रुकना जो है वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, रुकिए मत, आपको जितना भी हो सके उतना कीजिए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपने 250 मार्क्स का ही अटैम्प्ट किया है या फिर 240 मार्क्स का अटैम्प्ट किया, आपका जो है अगर उसमें 170 भी आ गया तो भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपको लग रहा है कि हाँ आपकी टेस्ट सीरीज़ में रैंक अच्छा नहीं आया है, तो आप मेरा ये बिफोर मेंस वाला वीडियो देख लीजिए, उसमें मेरा जो रैंक है और मेरे जो मार्क्स हैं, मेरे जो मैक्सिमम मार्क्स थे वो 157 मार्क्स थे, जबकि बच्चों के 192 195 ऐसे मार्क्स आ रहे थे। तो ऐसे बिल्कुल भी मत सोचिए कि हाँ आपका टेस्ट सीरीज़ में कम रैंक आया तो वहाँ पे जाके आपका भी वहीं पे भी वही हाल होगा, तो आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज़ में यही देखना होता है कि आपकी स्पीड इंप्रूव हो रही है, एक्यूरेसी बढ़ रही है, आपका जो परफॉर्मेंस पहले था उससे और अच्छा आप दे पा रहे हैं, तो इसी चीज़ के लिए टेस्ट सीरीज़ होता है, ना कि बस रैंक को आप दूसरों के साथ कंपेयर करने के लिए। अगर आपका रैंक अच्छा आ रहा है तो आप कंपेयर कीजिए, अगर आपका रैंक जो है वो बिलो मीन्स 50 से भी नीचे आ रहा है, 50-60-70 ऐसे आ रहा है या फिर उससे भी नीचे आ रहा है, तो आप अपना खुद का इम्प्रूवमेंट देखिए, उसको नाराज़ होके कुछ फ़ायदा नहीं है उसका, आप बस मेंस एग्ज़ाम में जाइए, अपना बेस्ट दीजिए और मेंस एग्ज़ाम ही डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, आपके टेस्ट सीरीज़ इससे पहले वाले वो कुछ भी डिसाइड नहीं करते। ज़्यादा प्रेशर मत लीजिए, कम चलता है, लेकिन रुकिए मत, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ करते रहिए, पूरा एकदम छोड़ देना वो ठीक नहीं है। मेरा 2016 में इसी कारण रह गया था कि मैंने एग्ज़ाम से कितना एक महीना पहले कुछ 15 दिन के लिए मैंने पढ़ाई बंद कर दिया था, मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। तो ऐसे डरिए मत, डरिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डर के रुकिए मत, प्रेशर में आके खाना या फिर अपना टाइम टेबल चेंज मत कीजिए, जो भी टाइम टेबल मेंस का है उसी के हिसाब से आप उठिए बैठिए चेयर पे, वो उसको फॉलो कीजिए। और हाँ, हर आंसर को आप अटेम्प्ट करने से पहले एक बार देख लीजिए कि उसका स्पेस कितना प्रोवाइडेड है, और हो सके तो एक मतलब ऐसे क्रॉस मार्क करके रखिए, मतलब वो एक टाइप से थ्रेशोल्ड का काम करेगा कि आपको याद आ जाए कि हाँ भाई इतना स्पेस बचा हुआ है। तो ऐसा होगा आपके साथ भी कि आपको लगेगा कि हाँ आप लिखते जा रहे हैं कंटिन्यूसली, दो दो पेज दे रखे हैं हर एक क्वेश्चन के लिए, और ऐसा एक क्वेश्चन बीच में आ जाएगा जिसमें कि एक ही पेज दिया हुआ है, तो आप जैसे ही पेज पलटेंगे तो दूसरा क्वेश्चन दिखेगा और आपको लगेगा कि अरे ये यहीं पे ख़त्म हो गया, तो उस केस में प्रॉब्लम हो जाते हैं, क्योंकि आप स्पेस जितना प्रोवाइडेड है उतना ही लिखना पड़ता है, उससे ज़्यादा लिखा तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो इसीलिए एक मार्क करके रखिए कि हाँ ये लास्ट मतलब लास्ट पैराग्राफ यहाँ पे आना चाहिए, या फिर आपका सॉल्यूशन या फिर जो भी आपका कंक्लूजन है यहाँ तक आ जाना चाहिए, तो उससे आपका ये स्पेस का तो प्रॉब्लम नहीं हो पाएगा, नहीं होगा। मैं एक और चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 5 आप जो है लिखते टाइम पे थोड़ा अच्छे से लिखिए, आप चाहे मतलब आपने मार्क्स जो क्वेश्चन हैं वो मार्क किए हुए होंगे, आपने उनका ऑर्डर भी डिसाइड कर लिया होगा, हाँ, और
ऑर्डर के हिसाब से अगर आपका जो क्वेश्चन नंबर वन है वो सबसे लास्ट में आ रहा है या बीच में कहीं आ रहा है, तो ऐसे बिल्कुल भी मत कीजिए कि क्वेश्चन नंबर वन में आपने एकदम स्पीड से लिखने को ट्राई किया और वो पूरा ठीक से लिख नहीं पाया, या फिर आपने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर वन की स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि एज अ टीचर मैंने भी मैं भी टीचिंग में था और मैंने भी पेपर चेक किए हैं, तो जैसे ही कोई भी आंसर शीट्स आपका जो पेपर चेकर हाथ में जैसे ही लेगा और उस पर चेकिंग करना चालू करेगा, तो वो क्वेश्चन नंबर वन या फिर क्वेश्चन नंबर फाइव से ही चालू करेगा। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगा कि वो क्वेश्चन नंबर वन से चालू करेगा। मैं इसीलिए ये क्वेश्चन नंबर वन और फाइव बोल रहा हूँ क्योंकि ये कंपलसरी क्वेश्चन है। अगर वो क्वेश्चन नंबर वन चेक करते हुए बोर हो गया तो वो क्वेश्चन नंबर फाइव से चालू करेगा। मतलब बाकी क्वेश्चंस को भी चेक करने की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन वो उतना नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो मतलब दूसरे क्वेश्चन कर सकते हैं, उनके ऑप्शंस अलग अलग हो सकते हैं। तो आप जो क्वेश्चन नंबर वन अटेम्प्ट करेंगे तो उसमें ध्यान दीजिए कि आप उसमें हैंडराइटिंग और जो भी स्टेप्स हैं और जो जितना पूछा गया है उतना ही लिखें, कुछ भी एक्स्ट्रा या फिर कुछ घुमाने का या फिर कुछ, मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि हाँ पेपर भरना चाहते हैं बस, मतलब जो क्यू कैब में अगर पूरा डेढ़ पेज दिया है या दो पेज दिया है तो उसको भरना चाहेंगे, तो वैसे मत कीजिए। अगर थ्योरी क्वेश्चन है तो न्यूमेरिकल में जितना भी अगर आपका, अगर आपने न्यूमेरिकल सॉल्व किया और वो एक ही पेज में हो गया और उसके लिए दो पेज दे रखे हैं, तो दूसरे पेज पे उसको काट दीजिए, उसको यूज़ मत कीजिए। ऐसे मत कीजिए कि हाँ आप लिखते जा रहे हैं कितना भी, उस ज़्यादा लिखने से आपका एक तो टाइम भी जाएगा और एग्जामिनर को भी लगेगा कि ये कुछ एक्स्ट्रा लिख रहा है, इसको ये पूछा नहीं गया था तब भी ये लिख रहा है। तो या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हाँ आपने मतलब जो पूछा गया है उसको छोड़ के कुछ और ही एक्सप्लेन कर दिया, तो इससे एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाता है आपके आंसर शीट पे। तो जब भी आपका इम्प्रेशन अगर पहला ही क्वेश्चन में अगर नेगेटिव हो गया चेकर के सामने, तो फिर ऐसा हो सकता है कि जब भी थियरी क्वेश्चन आए आगे तो वो एक मार्क या फिर दो मार्क ऐसे वो आपको कम दे, क्योंकि थियरी क्वेश्चन में एग्जामिनर को बहुत ज़्यादा वो देखना पड़ता है, उसको डायग्राम देखना पड़ता है, उसको सब कुछ पढ़ना पड़ता है। अगर आपने पहले ही इंप्रेशन बना दिया कि हाँ आप उसको उल्लू बना रहे हैं, तो फिर वो आपका पेपर ठीक से नहीं पड़ेगा, तो ये चीज़ ध्यान दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर वन एंड क्वेश्चन नंबर फाइव को अच्छी हैंडराइटिंग और जितना आता है उतना ही लिखें, बाकी आप चाहे बाकी तीन जो ऑप्शन है उसमें आप चाहे जैसे भी लिखना है, आपको फुल स्पीड में लिखना है पूरा, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा भी उसमें रखना है तो रख सकते हैं, लेकिन जितना हो सके क्वेश्चन नंबर वन में अगर आपने एग्जामिनर से अगर मैक्सिमम मार्क्स आपने निकाल लिए तो वहाँ से आपका पॉजिटिव इम्प्रेशन चालू हो जाता है पेपर के लिए। तो ये जो क्वेश्चन नंबर वन और फाइव के बारे में मैं बोल रहा हूँ, इससे आपका पेपर पे ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 5 मार्क का डिफरेंस पड़ेगा। लास्ट में बस इतना कहना चाहूँगा कि आपकी जो भी स्ट्रेटेजी है उसको पूरा ध्यान में रखते हुए एग्जामिनेशन हॉल में जाइए और पूरा कूल रह के उसको अटेम्प्ट करने का कोशिश कीजिए। पैनिक मत होइए, पैनिक होंगे तो आपका जो भी आपने अभी तक टेस्ट सीरीज दिया है बहुत शांत तरीके से आपने दिया होगा, जाके एग्जामिनेशन हॉल में पूरा ध्यान लगा के कि हाँ मैं ऐसा क्वेश्चन करूँगा, मैं फिर इसके बाद ये करूँगा, आपने सोचा भी होगा कि मैं ऐसे मार्किंग करूँगा। जब आप पैनिक हो जाते हैं तब ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती और आप दूसरे ही मोड में चले जाते हैं। जो क्वेश्चन पेपर मीन्स जो पहला पेपर वन था मेरा, उस केस में मेरे साथ ऐसे ही हुआ था कि मैं पैनिक हो गया था और जैसे भी मैंने सोचा था कि मैं ऐसे ऐसे अटेम्प्ट करूँगा वैसा नहीं हो पाया। तो काम रहिए और अगर पेपर आपको डिफ़िकल्ट भी लगे तो डरिए मत, स्टार्टिंग में सभी को डिफ़िकल्ट लगता है। आप जितना सिंपल पार्ट है वो सबसे पहले उन सिंपल पार्ट्स को अटेम्प्ट कीजिए और जैसे जैसे आप करने जाएंगे आपका स्पीड भी बढ़ेगा और फिर थोड़ी देर में आपको जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लग रहे हैं वहाँ पर भी आपको एक दो जो डिफ़िकल्ट पूरा क्वेश्चन लग रहा था आपको उसके भी कुछ 2-3 सब पार्ट आपको आना चालू हो जाएंगे या फिर आपको आइडिया आने लग जाएगा कि हाँ इसमें ये चीज़ें मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ। तो जाइए एग्जामिनेशन हॉल में और अच्छे से दीजिए पेपर। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।